हम 2 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संघ और सरकार पर बड़े हमले की करेंगे। शरद यादव के साझी विरासत बचाओ मंच पर पहुंचे राहुल ने मोदी सरकार और संघ पर हमलों की एक झड़ी सी लगा दी। उन्होंने कहा कि संघ 2014 के बाद ही भारत को देश मानना शुरू किया था, उसने सरकार से पहले आरएसएस को तिरंगे से परहेज था। और मैं गहरी बात बोल रहा हूं, जब तक इन्होंने हिंदुस्तान में राज नहीं किया तब तक इन्होंने हिंदुस्तान के झंडे को सलूट नहीं मारा। अगर इस देश की कमान उनके हाथ में नहीं है तो ये इस देश के नहीं है, ये फर्क है हम में और उनमें। हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में अपने लोग बैठा दिए और आरएसएस के लोग कोर्ट्स में, ब्यूरोक्रेसी में, सेना में, मीडिया में जिस दिन सब बैठ गए उस दिन ये देश उनका होगा। और फिर ये आप सबसे कहेंगे, हम सबसे कहेंगे, अब ये देश तुम्हारा नहीं है, अब ये देश हमारा है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, जहां भी देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, टेलीफोन देखो मेड इन चाइना, वीडियो देखो मेड इन चाइना। सच्चाई यह है कि मोदी जी का मेक इन इंडिया फेल हो गया है। पूरा का पूरा लक्ष्य हिंदुस्तान को 15-20 लोगों के हवाले कर दो, पूरी की पूरी पॉलिसी इन 20 लोग, ये 20 लोग चलाएं और ये 20 लोग मोदी जी की मार्केटिंग शानदार तरीके से करते रहे। ये है आज हिंदुस्तान की राजनीति। राहुल मन से उतरे और बीजेपी पलटवार के लिए सामने आ गई। सिर्फ 20 मिनट में बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को हमले के लिए आगे बढ़ा दिया। जो सबसे आपत्तिजनक उन्होंने बात की है कि बीजेपी, जुडिशरी, मीडिया, ये सबको पैक कर रही है अपने लोगों से और संविधान को बदलेगी। आई वुड एक्सपेक्ट राहुल गांधी नॉट टू मेक मोटिवेटेड पॉलिटिकल कमेंट अबाउट द जुडिशरी। भारत की जुडिशरी आजाद है, हम सभी उनका सम्मान करते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो अपने राजनीतिक घबराहट के कारण, राजनीतिक परेशानी के कारण वो कृपया करके जुडिशरी को मत घसीटें।